बाबलीज कैफेटेरिया में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओडिशा स्पेशल पहाड़ा रसगुल्ला, जिसे आप रसगुल्ला भी बोल सकते हैं। पहाड़ा एक छोटा सा गांव है भुवनेश्वर और कटक के बीच में। यहाँ पे ये जगह रसगुल्ला के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जो रसगुल्ला बनते हैं वो इसमें खासियत ये है कि ये ब्राउन कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, जिसको आप गर्मा गर्म खाओगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये इससे बनाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल बबलीज कैफेटेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो इस रसगुल्ले में मैंने बहुत सारा ट्रिक्स और टिप्स भी बताया है, इसीलिए आप इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए अभी रसगुल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालना है। मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। जब दूध में अच्छे से उबल आ जाए तभी गैस का फ्लेम को बंद कर देना है। 2-3 मिनट तक दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके अंदर विनेगर और उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी डाल के दूध को फाड़ेंगे। जब दूध अच्छे से फट जाए तभी उसको तुरंत छान लेंगे, नहीं तो छेना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। फिर छेना को थोड़ा सा धो लेंगे। फिर हम छेना को टंबा के रख देंगे 20 से 30 मिनट तक, जैसे कि उसका सारा पानी अपने आप निकल जाए। फिर हम छेना को एक प्लेट में निकालेंगे और उसको हाथ से अच्छे से मस लेंगे। पहले हम 10 मिनट तक हाथ से मस लेंगे। कुछ इस तरह से हाथ से मसलना है। उसके बाद छेना में थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और उसको फिर से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसलेंगे। हम छेना को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं मसलेंगे, नहीं तो रसगुल्ला ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बस चिकना होने तक हमको मसलना है। ये देखिए कुछ इस तरह चिकना होने तक मसलना है। फिर उसका छोटा छोटा बॉल बना देंगे। मैंने यहाँ पे 12 छोटा छोटा बॉल बनाया है। अभी सारा छेना बॉल्स रेडी हो गया है। फिर हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छे से कैरेमलाइज होने के लिए छोड़ देंगे। जब चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो जाए तो तुरंत बाद उसमें हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 कप पानी डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद उसमें हम 1 कप चीनी और डालेंगे और उसको अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। रसगुल्ला का चाशनी बहुत पतला रहता है, इसलिए जैसे ही इसमें उबल आ जाए उसके बाद उसमें 1-1 करके सारा चना बॉल्स को हम डाल देंगे। एक साथ अगर हम चना बॉल्स को डालेंगे तो पानी तुरंत ठंडा हो जाएगा और रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा। उसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालेंगे और उसको अच्छे से कवर करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे। ये भी नज़र रखना है कहीं से गैस बाहर ना चला जाए। 5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाने के बाद हम रसगुल्ले को थोड़ा सा पलटा देंगे और उसको फिर से कवर करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फिर से पकाएंगे। फिर 5 मिनट के बाद हम दोबारा उसको पलटेंगे और इस तरह से हम 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में रसगुल्ला को पकाएंगे। मतलब टोटल रसगुल्ला चाशनी के अंदर 20 मिनट ही पकाएंगे, उससे ज़्यादा पकाएंगे तो रसगुल्ला हार्ड हो जाएगा।
20 मिनट के बाद हमारा रसगुल्ला अभी बनके तैयार हो गया है। मैं एक निकाल के भी आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, रसगुल्ला अभी रेडी हो गया। हमारा पहाड़ रसगुल्ला अभी रेडी हो गया। उसको आप गरम भी खा सकते हो या फिर उसको ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स, आ रहा है ना मुंह में पानी? देखिए उसका टेक्सचर ऊपर का कितना सॉफ्ट है। मैं यहाँ पे आपको एक काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप सबको मेरी ये रसगुल्ला की रेसिपी अच्छी लगी तो आप सब घर पे इसको जरूर ट्राई कीजिए और आपकी अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच पाए।